फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्मोरा के बारे में। फिल्मोरा एक ऐसा वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो बहुत ही सिंपल वे में हमें वीडियो एडिट करके दे देता है। यूट्यूब वीडियो बनाने में हमें फिल्मोरा का बहुत ही यूज़ होता है। और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं एडिट करने के लिए, लेकिन काफ़ी सिंपल फिल्मोरा है। बहुत सारे यूट्यूबर जो है फिल्मोरा यूज़ करते हैं। आइए चलिए हम भी सीखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग फिल्मोरा 9 पर आ गए हैं सॉफ्टवेयर पे। ये इसका लुकिंग कुछ इस तरह से दिखता है हमारे पीसी पे या लैपटॉप पे। इसमें बहुत सारे इफ़ेक्ट हैं जिसको हम एक एक करके सीखेंगे। पहले तो हम वीडियो और फाइल को इंपोर्ट करना जानते हैं, कैसे इंपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है इंपोर्ट मीडिया फाइल हेयर, पे आप क्लिक करिए। आपको जो जो फाइल एडिट करना है उसको आप कंट्रोल करके ऐड कर लीजिए। ये 3 फाइल हमने ऐड कर लिए, एक इमेज है, 2 वीडियो हैं। इसको आप ऐड टू प्रोजेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा वीडियो भी ऐड कर लीजिए, ये भी आ गया। अब ये जो ड्रैग लाइन है ये मेन है। अब कुछ भी आप काम करेंगे या कुछ ऐड करेंगे, ये लाइन जा रहेगा उसके आगे ऐड हो जाएगा। अब जैसे ये हमारा वीडियो है, स्टार्ट हुआ, अभी एक वीडियो ख़त्म होने के बाद दूसरा वीडियो तुरंत चलने लगा, तो ये इफ़ेक्ट अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ट्रांजिशन इफ़ेक्ट इसमें डालेंगे। ट्रांजिशन इफ़ेक्ट के लिए यहाँ ट्रांजिशन पे क्लिक किया। बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हम ये एक सिलेक्ट कर लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया। अब इस पर आप डबल क्लिक करिए, ये ओवरलैप या प्रीफिक्स या पोस्ट पिक। ओवरलैप में 2 वीडियो के बीच में आएगा, प्रीफिक्स में पहले आएगा और पोस्टफिक्स में दूसरे वीडियो के स्टार्ट होने के पहले आएगा। तो हम ओवरलैप कर लेते हैं। अब ये ओवरलैप हो गया। अब देखिए ये वीडियो हमारा स्टार्ट होगा, ये देखिए ट्रांजिशन इफेक्ट आ गया है इसमें। अब इस वीडियो को हमें अगर कट करना हुआ कहीं भी, इस बार को हम जहाँ पे भी कट करना है वहाँ पे रखिए। सिंपली यहाँ पे कट कर दीजिए, ये देखिए स्प्लिट हो गया। इस पे आप क्लिक करके ये डिलीट बटन पे प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, या राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं। अंडो कर देते हैं, ये अंडो का है, ये कट का है, ये क्रॉप एंड जूम का है, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे इसका स्पीड हमें बढ़ाना है, स्लो फास्ट, जैसे ये 4x कर देते हैं। तो आप प्ले करेंगे, फोर एक्स में काफ़ी फास्ट हो गया। 2x कर देते हैं, ये देखिए इस पर ये इफेक्ट आ गया। इसको भी हम अंडो कर देते हैं। अब वीडियो के नीचे ये वॉइस है हमारा वीडियो का। अब इस पर कुछ इफेक्ट अगर डालना है तो इस पर आप डबल क्लिक करिए, यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं अपने वीडियो का। फेड इन फेड आउट, पिच इक्वलाइजर, डीनॉइज, रिमूव बैकग्राउंड नॉइज, इस पर क्लिक करके आप ओके कर दीजिए। बैकग्राउंड का जो नॉइज होगा वो रिमूव हो जाएगा। इस वॉइस को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं डिटैच ऑडियो करके, ये देखिए ऑडियो डिटैच हो गया। अब इसको अंडो कर दीजिए। ये तो हो गया हमारा ट्रांजिशन। अब इसमें अगर कुछ इफेक्ट लाना हो वीडियो पे,
ये हमने ऐड किया, इस पे आप क्लिक करिए सिंपली। अब यहाँ पे जो भी लिखिएगा ये यहाँ हमारे वीडियो पे आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वेलकम टू माई चैनल, और इसको आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं। किया था, ओके कर दीजिए। चलिए देखते हैं उसमें क्या क्या है। ये देखिए, टेक एंड इन्वेस्टमेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे गोरिल्ला का ट्राइपॉड जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। चलिए देखते हैं उसमें। इसको आप इन ड्यूरेशन को बढ़ा भी सकते हैं। क्या क्या है, ये हमारा ट्राइपॉड है, इसमें इफेक्ट भी है। अब ये जहाँ पे ये कर्जर रहेगा वहाँ पे इफेक्ट आ जाएगा। ये देखिए इफेक्ट, इसको भी आप बढ़ा सकते हैं। इस पर क्लिक करके इसको इंक्रीज कर लीजिए, उतने दूर का वीडियो का में इफेक्ट आ जाएगा। नीचे जो और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं, एलिमेंट हैं, आप इस एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। ये देखिए एलिमेंट भी ऐड हो गया। स्प्लिट स्क्रीन है, आप दो वीडियो को एक ही साथ दिखाना चाहते हैं तब इस पे कर सकते हैं। ये ऑडियो है, ऑडियो को आप ऐड कर सकते हैं, ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री है। इसका जरूर यहाँ पे ले आइए, इसको चलाते चलाते बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, इजी है और हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर पे बहुत ही कम जगह लेता है, जिसके वजह से कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग नहीं होता। अब ऑडियो को यहाँ से अगर डाउनलोड करना चाहेंगे तो डाउनलोड भी हो जाएगा। यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कहाँ पे आपको सेव करना है सो आप देखिए, ये सेटिंग है, फ्रेम रेट, बाइट रेट वगैरह वगैरह, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दीजिए, एक्सपोर्ट हो जाएगा। फाइल है, एडिट है, टूल है, फाइल में आप और क्या क्या कर सकते हैं, डाउनलोड मीडिया, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, रिकॉर्ड वॉइस ओवर, रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, काफ़ी सारी चीज़ें दी हुई हैं। ओके फ्रेंड्स, आज हमने आपको इसको एक आउटलाइन बता दिया कैसे इसको यूज़ करते हैं। आप इसको यूज़ करिए, बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।